नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। UP24 न्यूज की टीम अपना खास कार्यक्रम लेकर वार्ड नंबर 49 पहुंची। इस वार्ड से कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज हमारी संवाददाता दीक्षा कुलश्रेष्ठ ने वार्ड नंबर 49 से समाजवादी पार्टी से नीरज अग्रवाल और वहां मौजूद जनता से बात की और इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और उन्हें पार्षद बनने के बाद ये किस तरह समाधान करेंगे इस पर बात भी की। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता आपको वोट क्यों दे। आज हम अपने प्रोग्राम को लेके वार्ड नंबर 49 में मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पार्षद उम्मीदवार नीरज अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता मुझको वोट इस वजह से दे कि जनता ने मुझको चुना है और पार्टी ने मुझको, दोनों ने जब लोगों ने मुझे चुन के भेजा है तो मैं दोनों की उम्मीदों से खरा उतरूंगा और जैसा जनता चाहती है मैं वैसा ही काम करूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं और मेरे वार्ड 49 में बहुत ज़्यादा मुझ पर विश्वास है सभी लोगों का। तो मुझ पर विश्वास करते हुए जैसे आपने मुझे विश्वास किया है और जैसे करते आ रहे हो मुझे 20 साल 25 साल से, उसी विश्वास के साथ मैं आपकी उम्मीदों से ज़्यादा खरा उतरूंगा, इस वजह से आप मुझे वोट करें। यहीं इस वार्ड में हमारे साथ कुछ क्षेत्र की जनता भी मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं और उनकी वार्ड की समस्याओं का पता करते हैं। जैसे कि जी, आपका नाम? नितिन जी। नितिन जी, आपके इस वार्ड में किस तरीके की समस्या है और आप किस तरीके के पार्षद को वोट देना चाहते हैं? हमारे वार्ड में समस्याएं तो बहुत हैं। यहाँ पर 4-4 मंदिर हैं, चौक सराफा है, सराफा बाजार है, टाइम बे टाइम झाड़ू लगती है, यहाँ पे टाइम बे टाइम सफाई होती है जिससे महिलाओं को सभी लोगों को जो मंदिर आने जाने वाले दर्शनार्थियों को दिक्कत होती है। और पहले भी जो सभासद यहाँ पर रह चुके हैं उनने कोई व्यवस्था नहीं करी, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। पानी की किल्लत तो पूरे ज़िले में है, तो आप पानी को सफाई को जो ध्यान रखेगा उसको वोट करेंगे। यही हम, जैसे कि इन भाई साहब ने बोला कि यहाँ मंदिर जो बने हुए हैं उसमें सफाई नहीं रहती, जो आने जाने वाले भक्त हैं उनको परेशानी होती है। यही हम पार्षद जी से पूछते हैं जो प्रत्याशी हैं। मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं उनमें सफाई का कोई सही नहीं है, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई जाती है, यहाँ जो भक्त हैं आने जाने वाले उनको काफी परेशानी होती है, तो इसमें आप क्या करेंगे? क्या पब्लिक को, ये जनता को ये पता है कि मैं भी इस 49 का एक मेंबर हूँ। जो उनके संग समस्या है वही समस्या मेरे संग है। मैं व्यापारी होते हुए मैंने ये कदम उठाया कि मैं नेता बनूं जब ये समस्या का निदान हो पाएगा, क्योंकि जब कोई व्यापारी ही नेता बन के इस समस्या को निदान कर सकता है वो ही दूर कर सकता है। जो नेता होगा वो निवारण नहीं कर सकता है, वो नेता इस वजह से निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि वो कमाएगा। मैं कमाने नहीं, अपनी जेब से लगाने आया हूँ। जनता मुझ पर भरोसा करे, अपनी जेब से अगर कुछ जितना मैं हो सकेगा उतना लगाऊंगा और जनता का पूरा भरोसा कायम करूंगा। जैसा कि यहाँ ये प्रत्याशी से बात करके यहाँ उनसे पता लगा है कि वो बोल बता रहे हैं कि वो व्यापारी हैं, कोई नेता नहीं है। जैसा कि वो जीतने के बाद यहाँ अपने वार्ड में जो समस्या है गंदगी को लेके उसको साफ कराएंगे। जैसे कि यहाँ क्षेत्र की कुछ महिलाएं भी मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। आपका नाम? नीतू जी। नीतू जी, आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और आप किस तरीके के पार्षद को वोट देना चाहते हैं जो आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है पानी और साफ सफाई, सड़कें। हम चाहते हैं सबसे बड़ी समस्या पानी की हमें सुविधा मिले। तो यहाँ पानी कैसा आता है, समय पे नहीं आता है पानी? क्या मतलब यहाँ गंदा आता है? 10 मिनट पानी आता है, वो भी गंदा आता है। तो जो पानी 10 मिनट आता है वो सुबह आपको तो बहुत परेशानी है? 6:15 बजे आता है। यहाँ इस वार्ड में बात करके इस महिलाओं से पता चला कि यहाँ पानी को लेके काफी परेशानियां हैं। यहाँ सुबह 6:30 बजे आता है, वो भी बहुत गंदा आता है। तो वहीं प्रत्याशी से पूछते हैं कि वो इस समस्या का कैसे किस तरीके से निराकरण करेंगे। जैसे कि यहाँ महिलाएं सुबह 6:30 बजे पानी आता है, वो भी गंदा आता है, तो आप इसमें आपकी क्या राय है? मैडम, मुझे मालूम है, मैं भी रहता हूँ, बाढ़ में रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि बाढ़ में नहीं रहता हूँ। जो पोजिशन उनके यहाँ पर वही पोजिशन मेरे यहाँ पे। परसों तो इतना गंदा पानी आया था कि पीने में उल्टी हो गई थी मुझको। तो इसकी जो सबके संग समस्या है वही संग समस्या मेरे संग भी है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है। इसीलिए तो मैं उतरा हूँ इस चीज के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ चुन के जाऊंगा, मेरी पार्टी के पार्षद मेयर साहब चुन के जाएंगे, तो हम इस चीज का सब चीज का निवारण मैं जरूर पूरी करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कथनी और करनी में फर्क है, दोनों चीजों फर्क देते हुए मैं वो चीज करूंगा, मैं कहूंगा नहीं। तो आप अपने इस वार्ड की जनता को किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे अगर आप जीतते हैं तो? आप अपने वार्ड के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे जनता को उनकी जो समस्या है वो दूर हो? जी, मेरी वार्ड की जनता से पूछो कि मुझमें कितना विश्वास है। अगर उनको मालूम है कि मुझमें विश्वास है तो वो पब्लिक ही, जनता ही बताएगी। मेरे कहने में जैसे सब नेता है वैसे मैं ही हूँ कि मैं
जो मेरे विश्वास में उनको कितना विश्वास है वो ही बताए इस बात के लिए तो ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता अगर बताएगी वो ज्यादा बेटर रहेगा। यही हम इनसे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं पूछती हूँ आपको अपने प्रत्याशी पे कितना विश्वास है, कैसे कितना विश्वास है कि आप वो आपकी समस्याओं को कैसे निराकरण करेंगे? हमें अपने प्रत्याशी पे पूरा विश्वास है, जो हमारी समस्याएं हैं उनका हम निदान करेंगे और वो पार्षद हैं और मेयर से अपने कह करके इसका निदान करेंगे। हमारे साथ इस वार्ड में और कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछती हूँ और उनकी समस्याएं। आपका नाम? जी चंदन शर्मा। यहाँ पे इस वार्ड में आपकी क्या समस्याएं हैं? देखिए मैडम, पहले ये नगर पालिका था हमारा, जो फरोहबाद था नगर पालिका था, जो अब नगर निगम घोषित कर दिया गया है। पहले यहाँ जो टैक्स लगाया जाता था, जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, तो वो कम रेट पर लगाया जाता था, लेकिन अब वही रेट 3 गुना कर दी गई है। तो मैं अपने सभासद से पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में वो क्या कार्य करेंगे? जितना टैक्स 2 गुना हो गया है तो वो उस तरीके से यहाँ पे उनकी सुविधाएं नहीं है? नहीं बिल्कुल, जो नगर निगम की सुविधा होनी चाहिए फरोहबाद में वो बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। आप नालियां देख लीजिए यहाँ की, आपकी सड़कें देख लीजिए यहाँ की, कोई आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये नगर निगम है, ये नगर निगम नगर पालिका से भी बदतर है। और मैं तो अपने सभासद जी से पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में वो क्या कार्य करेंगे, ये मेरा पूछना उनसे सवाल रहेगा। यही मैं प्रत्याशी जी से पूछती हूँ। जी नीरज अग्रवाल जी, यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि आप तो यहाँ पे खड़े हुए हैं इस इलेक्शन में, तो आप किस तरीके से जो यहाँ पे टैक्स डबल कर दिया गया है तो उसमें आप क्या, आपकी क्या राय है, आप कैसे उनकी जो समस्या है गंदगी को लेकर और टैक्स को इतना बढ़ा दिया है, तो आप क्या वहाँ जाके क्या कैसे करेंगे? चंदन जी को ये मालूम है कि मैं भी इसी वार्ड में रहता हूँ, जो चंदन जी की समस्या है वो मेरी समस्या है, जो मेरे संग समस्या हल होंगी मैं चंदन जी के संग जाके पूर्ण रूप से समस्या हल कराऊंगा। जो टैक्स वगैरह जो ओवर लग रहे हैं या कोई भी चीज ज्यादा लग रही है, हम इसके लिए दोनों मिलकर सभी पूरा वार्ड इसकी पूरी जनता सब मिलकर इस चीज का निवारण करेंगे। जो ज्यादा से ज्यादा हमारे मेयर साहब जो कोशिश होगी पूरी उसी का हम निवारण करेंगे। यही हमारे साथ इस वार्ड की कुछ क्षेत्रीय जनता और भी लोग मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। जी आपका नाम? अजय कुमार अग्रवाल। यहाँ पे आपको क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से? सफाई पानी की समस्या है ही है, और ये टैक्स के 2000 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए की रसीद देते हैं, जबरन फिर धोस देते हैं, ये सब समस्याएं हैं। मतलब यहाँ पे जो डबल टैक्स लेते हैं रसीद उस आधे पैसों की देते हैं और यहाँ पे धोस भी देते हैं धमकी, बस यही सब समस्याएं हैं। जैसा कि यहाँ पे इस वार्ड की सबसे समस्या है, यहाँ टैक्स को डबल कर दिया गया है और यहाँ पे ना टैक्स को डबल करके रसीद में जो पैसे होते हैं वो भी आधे होते हैं और उससे ज्यादा धौंस देके वो उनसे रुपए लेते हैं। तो मैं ये नीरज जी से पूछूंगी कि वो इसका इन जो जनता है इस वार्ड की उसका निराकरण कैसे करेंगे? बात आपकी हमारे ताऊ जी की बात सही है बिल्कुल, कि धौंस देके पैसे लेते हैं, लेकिन मैं व्यापारी था, आज मैं आया हूँ और अब मैं पार्षद चुन के जाऊंगा, मुझे जनता सब वोट देगी तो मैं चुन के जाऊंगा, तो जब चुन के जाऊंगा तो मैं इस सब चीज़ को सबसे पहले प्रथम इस चीज़ मेरी यही चीज़ होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का मैं उठाऊंगा मुद्दे को और उस चीज़ का निवारण कराऊंगा। इसको मतलब जो ये समस्या है इसको जाके नगर निगम में जो भी परेशानी है वहाँ जाके आप इसको रखेंगे और जो भी दूर होगी उसको कैसे मतलब वहाँ रखेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी समस्या है इस वार्ड की आप कब जीतने से पहले इसको रखेंगे या जीतने के बाद? मैडम जीतने पहले से तो मैं यूं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी माँ पे कोई सुनेगा नहीं, जैसे साधारण आदमी ताऊ जी है मेरे, जैसे साधारण आदमी व्यक्ति मैं हूँ। जब मेरे पास किसी सरकारी चीज का या जनता का प्यार का मेरे को सहयोग मिलेगा, मैं यहाँ से मुझे पार्षद बनाएंगे, मैं पार्षद बन के जाऊंगा नगर निगम में, तो मेरा वहाँ पे अधिकार होगा, पूर्ण अधिकार होगा, जिससे कि पूर्ण अधिकार होने के साथ साथ मैं वहाँ पर सब कुछ काम कर सकता हूँ। अभी मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। यही हमारे साथ वार्ड की कुछ महिला भी मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। आपका नाम? आरती अग्रवाल। आप यहाँ पे आपको इस वार्ड में जो इलेक्शन में जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं आपको उन पे कितना विश्वास है? मुझे उन पे बहुत विश्वास है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं, वो जीतेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उनका पूरा साथ दूंगी। इस नगर की जितनी भी लेडीजें हैं मैं उनका साथ दूंगी, उनके साथ खड़ी हूँ मैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे हस्बैंड जरूर जीतेंगे। जैसा कि ये मैम, ये जो यहाँ पे जो महिलाएं इनके यहाँ पे इलेक्शन में जो खड़े हो रहे हैं उनके हस्बैंड ही हैं, तो वो उनका कहना है कि यहाँ पे जो महिला की समस्याएं हैं उनको उनके साथ खड़ी होंगी, वो उनकी जो समस्या है उनको दूर करेंगी। वही हम और महिलाएं हैं यहाँ क्षेत्र में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? प्रेमवती जी। यहाँ पे क्या समस्या है आपके इस वार्ड में? ये मेरा बेटा है, मैं बहुत समस्या में इनके लिए, बहुत अपना गंदगी बहुत है, और ये मेरे बेटा बहुत अच्छी तरह से करेगा, बहुत सफाई सुरी की बहुत मेहनत करेगा जाके।
यही हमारे साथ क्षेत्र की और भी जनता मौजूद है, आइए उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे आपकी समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे गली मोहल्ले में एक पानी की टंकी बनी हुई थी, उस पर कोई बीजेपी के नेता हैं, कुछ उन्हें दबंग टाइप के लोग हैं, उन्हें उस पर कब्जा कर रखा है, किसी को पानी भी नहीं भरने देते, उस पर कब्जा पूरा पूरा, उनका ताला लगा रहता है, उन तक खुलने की गई है तो खुलते भी नहीं है। और मतलब हम अपने पास से चाहते हैं कि चुनके जाए उस टंकी को, हमारा का निवारण कराएं उसकी टंकी का, हमारी समस्या का निवारण। जैसा कि यहाँ पे मैं जल मूल्य हमारे लिए दो दो जल मूल्य लिए जाते हैं, जल निगम अपनी तरफ से अलग ले रहा है और वहाँ से अलग ले रहे जल निगम वाले अलग, तो दो दो एक जगह ही तो पानी का टैक्स दिया जाता है, दो जगह टैक्स कैसे देते हैं हम लोग जल मूल्य का, एक 600 रुपए का दे रहे हैं उधर तो नगर पालिका अलग दे, जल निगम के लिए अलग दे, तो मेरे साथ दो दो का एक चीज के लिए दो दो टैक्स हम कैसे दे सकते हैं हम। जैसा कि यहाँ मैं पार्षद जी से पूछना चाहूंगी, नीरज जी, जैसे कि यहाँ पे समस्या है आपकी वार्ड में जो टंकी है सरकार की तरफ से, उस पे बीजेपी के लोगों ने उस पे कब्जा कर रखा है, तो आप उसको कैसे जीतने के बाद कैसे इसका निराकरण करेंगे? मुझे जानकारी है इस विषय पे, टंकी ही नहीं कुछ और भी चीज कब्जे में कर रखी है अपने, मुझे दोनों चीजों की जानकारी है, और मेरे बनने के बाद सरकारी तरीके से मैं अधिकारियों से मिलकर इस चीज का निवारण करूंगा, और जल्दी से जल्दी, और मैं जीतूं या ना जीतूं लेकिन ये चीज का निवारण मैं जरूर करूंगा। मौजूद थे वार्ड नंबर 39 में, वहाँ की जनता और वहाँ के पार्षद प्रत्याशी से बात करने के बाद ये इस वार्ड में काफी समस्याओं का यहाँ पे जाना है। अब देखना ये है कि 1 तारीख जो आप नजदीक आने वाली है उसमें प्रत्याशी के जीतने के बाद समस्याओं को कैसे निराकरण करते हैं। सहयोगी दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ के साथ दीक्षा कुलश्रेष्ठ, UP24 न्यूज, फिरोजाबाद।